अभी जो है ना हम आपको अपनी शॉपिंग शेयर करते हैं जी, जो आज सारा दिन शाम ने शॉपिंग की है। तो सबा जी आप खुश हो? बहुत ज्यादा। मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, ईद का 500, ये हो गया फिर 1500, इसके साथ हो गया आपका 2500, और साथ में 1500, ये 2500। अबू जान का सूट, क्योंकि अबू जान को सूट जो है ना वो सफेद पसंद है। और ये अम्मी जान के डिज़ाइन देखे सूट का, दिया जाइए मेरी तरफ से आपको ईद का सूट। ये सफेद, ये हमारी तरफ से आपको ईद का सूट माशाल्लाह, जो ईद के लिए मैंने लिया है, बहुत सिंपल सा लिया। आज का जो हमारा व्लॉग है ना वो बहुत बड़ी शॉपिंग का है। आज हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने के लिए। उठ जाओ जनाब, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी सबा आपने? और सबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से आप भी शॉपिंग करोगे। आपको अभी मैं देता हूँ पहले सरप्राइज, उसके बाद फिर जो है ना आगे चलते हैं। तो जी अभी जो है ना सबा को सरप्राइज देते हैं, क्योंकि सबा बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसको मैंने बोला था कि हम जो है ना ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे। हाँ ना, बात करो, ये मेरी फिल्ली को देखे, मेरा ढिल्लू पता नहीं क्या हुआ, धक्का दे के चला गया। ये ऐसे थोड़ी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबो जी, सबा जी जी, ये ले माशाल्लाह, सिस्टर ने दिए आपको शॉपिंग के लिए। अच्छा, थैंक यू, बहुत ज्यादा शुक्रिया सिस्टर आपका, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। 5000 रुपए जी इसको दे दिए हैं सिस्टर की तरफ से कि ये अपनी जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करेगी। हाँ आपको भी ये दिए तो है 5000, इसका 2500 कहाँ है, ये भी अपनी शॉपिंग करेगा। गुड्डू अपनी शॉपिंग करोगे? जूती लेनी है? जूती, जूती लेनी है? पैसे का है कहते हैं? पैसे हैं तेरे, हैं वो तेरी अम्मी के पास, वो उठाया पैसे, वो उठा लो ना, उठा लो। अच्छा उठाती हूँ। मुंशी आपकी क्या शॉपिंग करके हूँ मैं आप ना अपने लिए एक कार्टन का सूट लेना। अब मेरी बात छोड़ो, आप अपने लिए बताओ, आपका कौन सा कलर आपको पसंद है? मैं नहीं बता सकता, आज तक मैंने ले नहीं है अपने कपड़े। अपनी पसंद का ले आओ। हाँ, अपनी पसंद का जो ले आओगे मुझे पसंद है। ठीक हो गया, जल्दी करो सरदार, इतनी टाइम नहीं है। एक तो शॉपिंग पे लेके जाओ, ऊपर से इनके नखरे भी उठाओ। मैं सदके थी वहाँ। अच्छा कपड़े मैंने ना चेंज नहीं किए, मेरे वाले ये कपड़े ठीक है ना, जैसे ये इधर देखो, ये वाले, ये ना सारे पता नहीं क्या लगे हुए, उस सलवार पे भी है, इस पे भी है। और जी कपड़े बदली कर लो। नहीं बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें जी अभी चलते हैं शहर, आ जाओ जी। मुझे कौन सा कोई देख रहा होता है कि यार ये अहमद है और इसने काले कपड़े दांग लगे हुए हैं, ये वो ऐनक भी मैंने पहन ली। ओ यार मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर आ जाओ, आ जाओ, हसन को ले आ, हसन को ले आ। और बेबो जानी पता नहीं किधर चला गया, बेबो आ जाओ शहजादे चलें। हाँ इसका मुंह धुलवाया, क्या किया है? पानी पिलाया इसको, ये अभी नींद से उठा है ना। हसन कैसे हो शहजादे, ठीक हो? हाँ ये वाला चार्जिंग लगाएंगे ना मोबाइल, ये लो मेरे शहजादे पुत्र। यार चाय भी मेरे पास नहीं है। अभी तेरे पास है? दे, मेरे पास नहीं है। अच्छा बैठो, मैं गाड़ी स्टार्ट करूं फिर थोड़ी ठंडी हो जाए, वो ले गया। चलो वाह मुंशी वाह, सदके थी वहाँ, दरवाजा खोल लेती हो, शाला कुछ ना थी भी। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मज़े की बात सबा, अभी मैंने अब्बू को कॉल किए, अब्बू और अम्मी जो है ना वो माशाल्लाह से वापस आ रहे हैं, तो रौनक मेले फिर से बहार हो जाएंगे और उनके लिए सरप्राइज भी लेंगे हम। वाह जी वाह, ओके हो गया। हाँ। जबरदस्त, मैं भी एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए बादल बादल, सबा देख रही हो ना इन बादलों को, ऐसे लगता है कि आज भी बारिश आएगी। बारिश तो यार आएगी आएगी, लेकिन ये देखो यार, ये ऐसे लगता है जैसे कपास है। ये देखिए इतनी सफेद और इतनी वीआईपी। हाँ हाँ सारा देख रहा हूँ मैं, इधर से भी देख रहा हूँ। ऊपर के साथ साथ ही हाँ आ गए हो। वो क्या कह रहे थे उसको? कह रहे थे घास लेकर आना, मैंने कहा यार अभी ये भी बहुत सारा ज्यादा सामान है, पैसे वाला दे।
हम ना जाते हैं क्योंकि घर काफी लोगों का ना सामान बढ़ता जा रहा है, ये चीज लेना। अब हमारे पास हम खुद कितनी मसरूफियत की वजह से ना टाइम निकाल के हम जा रहे हैं। या पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो जी? आज 21 रोज है ना, 19 रोज वहाँ 19 की आज इफ्तारी करेंगे। कहाँ जा रहे हो? हम शहर जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग करने हम नहीं चलते हैं। अच्छा, किधर? आपके साथ आ जाओ, खड़ी करता हूँ, फिर साथ चलते हैं। आ जाओ फिर, जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह जी, असलम भाई और भाभी जी वो भी साथ जा रही हैं। वो अपनी शॉपिंग करेंगे, हम अपनी। शहर जाके उनको छोड़ देंगे, वो अपनी शॉपिंग करेंगे, हम अपनी शॉपिंग करेंगे। कैसे आसान, आप शॉपिंग करोगे? अच्छा, कितने महीने पे हो? हाँ मन जी, क्या है? वो कहता नहीं, वो बेबने शीशा बन के मान तो आते ना कर गाल कर चलो गाल कर दो लड़े कहते पर एक कदा शीशा खुला कर रहा है, कदा बंद कर बे जानो मैं आ बना करू। कहता नहीं, चलो ठीक है बनियो। कपड़े मेरे कितने मेरे सामने सबा, अभी आप ऐसा करो, आप पीछे करो, जब आगे जो है ना वो असलम भाई बैठेंगे, आप भाभी साहबा और आप पीछे बैठो, ठीक हो गया? ओके हो गया। ओ आ गई, ओ आ गई, लॉक खोलो इसकी, चलो इसकी नहीं गाड़ी की। वालेकुम अस्सलाम, हैदर आ गए। हैदर बैठे जी, बैठे। हैदर किधर जा रहे हो? ढल जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी। हाँ जी, गर्मी हो गई। जैन जैन किधर चला गया? आ जा। चले जी, अभी ये बादल चेक करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम रवाना हो चुके हैं शहर की तरफ। तो आपने पूरी फैमिली की शॉपिंग करनी है? हाँ जी। अच्छा, सिस्टर जो है ना उनके लिए भी करनी है। अच्छा, सही है। सिस्टर कैडी? सिस्टर्स। अच्छा, यानी कि अपनी बहनों के लिए भी? हाँ जी। अच्छा, सही हो गया। क्या कर रहे हो यार? पिस्टल थे यार, उसके लिए वो छोटे वाला ले लेना था ना। गलती हो गई। अब जो बेबो लेगा सौदर हसन तो लेगा ना। वही सच है, बेबो की जो चीज लेते हो हसन को भूल जाते हो आप लोग। हाँ, चलो अभी वापसी पे, अभी चौक पे जाके हसन को भी ले देते हैं छोटा सा। वीआईपी मंजर है जी, और माशाल्लाह से ये देखें कि ये तैयार हो गई है गंदम की फसल। तो गंदम जो है ना कटाई होगी, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसके दाने बनेंगे, फिर आटा पिसाई होगा। देखना बाबा इसको। हाँ, मारी ना गुशीशे थे। गोली मार रहे हो? गोली अभी नहीं मारनी बेटा, घर जाके मारना, ठीक है? घर जाके मारना, वरना मैं गाड़ी फिर कौन चलाएगा जी। अभी जो है ना हम दुकान पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से शॉपिंग जो है ना वो जारी है। इधर जो है ना अभी बच्चियों के कपड़े देख रहे हैं, बख्तावर के भाभी जान जो है ना वो कपड़े देख रही हैं, उसके बाद हसन जानी के लेने हैं। हैदर, आपने लेने हैं कपड़े? कैसे लेने हैं? पीले पीले लेने हैं। अच्छा बेबो, आपने लेने हैं क्या? उनसे कपड़े लेने हैं आपने? लेने हैं आपने कपड़े लेने हैं? हाँ, ऐसे कपड़े लेने हैं वो ये सब के। कैसे कपड़े? वो कपड़े सिलाई हुए पड़े हूँ। ठीक है, चलें उधर से वो ले लें जो ले रहे हैं। उसके बाद ना जो हमने सूट लिए, ये देखें, ये सूट, ये सूट, ये सूट, ये सूट, ये सूट, ये सूट, मतलब बहनों के लिए लिए हैं।
उसके बाद इधर देखें कि ये सारे सूट लिए हैं, उसके बाद ये वाले सूट लिए हैं, उसके बाद ये वाला सूट लिया है, ये सारी इंशाल्लाह ताला बाकी जो तफसील है वो तो इंशाल्लाह घर जाके तफसील से दिखाएंगे भी और बताएंगे भी और जिन जिन को देने हैं उनको देंगे भी। दोनों मैडमें जो है ना वो खड़ी हुई हैं, आप देखते हैं कौन सी पसंद आती है इनको। सारे डिज़ाइन ये जूतियों के पड़े हुए हैं, वैसे जहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन पड़े हो ना वहाँ पे फिर ये सोच विचार में पड़ जाती हैं। पहनने भी कुछ आसानी हो देख लो ये कितनी प्यारे प्यारे, ये देखें डिज़ाइन कितने प्यारे पड़े हुए हैं, जिस जूती को देखो वही प्यारी है। अब आप पता नहीं कैसी हैं, ये आपकी जूती जो है ना हिसाब करेगी। निकलवाना जरा इधर हस्बैंड को देख के। हाँ नहीं नहीं अच्छे वाली लो, ये तो जी माशाल्लाह से अभी जो है ना हमने सारे सामान शमान ले लिया है और सब की शॉपिंग हो गई है। भाभी आपने भी जोड़ा ले लिया है सूट? बिल्कुल ले लिया है। अच्छा तो शॉपिंग जी सब ने कर ली है और अभी घर जाके आपको दिखाएंगे कि हमने किस किस की शॉपिंग की है। तो इंशाल्लाह ताला अभी खास ले रहे हैं उधर से महीउद्दीन भाई की बकरी के लिए, यो खरगोश के लिए, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर रवाना होते हैं। मौसम भी वैसे वही बदलू शदलू वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं घर और इसने ना जल्दी से ना ये उठा लिया पीले पीले। अच्छा ये इनको ना फ्रिज में रखो। ओए यार ओ मिलवाना कैन से किधर भूल गए। चलो जी ये फ्रिज में हवा कर देते हैं। अच्छा बहरहाल हिंदवाना देखा फ्रिज पे भाइयों दिन दा कितनी हिंदवाना जी। भाइयों दिन दा हिंदवाना कितनी? भाइयों दिन दा हिंदवाना हां करो सरदा बस। हिंदवाना नहीं था वो, कह रहा था हमारा वो आध रखा हुआ यही तो हमारा आध रखा नहीं होगा कल क्या हमारा आध रखा होगा पता नहीं शायद। चलें अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह जी अबू जान भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र माशाल्लाह। पहुंच गए खैर खुरियत से? माशाल्लाह सफर में फिर जो है ना तंगी तो होती है? नहीं सफर कोई तंगी नहीं है। अच्छा जाते हुए बोल रहे थे उधर सुल्तान बोल रहा था कि थके हुए थे बहुत ज्यादा। चलें जी अभी देने इधर अम्मी जान सो रही है, वो सो रही है नींद है उसकी। तरबूज को जो है ना वो ठंडे पानी में छोड़ दिया, अल्लाह करे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बस करो वो कल वाले भी पड़े होंगे ना, कल वाले हाँ वो रखा है। सही है लेकिन यार हिंदवाना फिर भूल गया यार। यार आधा हिंदवाना किसका रखा है फ्रिज में? वो महीउद्दीन भाई वालों का है। वो आज और तो मेरे ख्याल में मंगवाया नहीं मंगवाया उन्होंने, उन्होंने कहा वो आधा रखा है बस। चलो गंढेरियां रख देना, ये रख देना और पता क्या मंगवा लेते हैं सबा और ना जूस मंगवा लेते हैं, वो आम वाला जूस मंगवाते हैं। आप ना वो कर लो वो पकोड़े बना लो, पकोड़े बना रही हो ना, उसके बाद फिर मुंशी भाई को जैन को कहो वो दो छुरियां लेके ना तीनों, फिर ये भिंडियां काटना शुरू कर दें, सारे काम जल्दी हो जाएंगे। चलें जी अभी जो है ना जल्दी जल्दी से सारे काम करते हैं क्योंकि आज सारा दिन जो है ना ये देखें शॉपिंग करने पे लग गया, ये सारी शॉपिंग हुई पड़ी है। इंशाल्लाह अभी जब आपको दिखाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ हाजरा अपने पुत्र को उठा लिया, ये कैसा लगता है? अच्छा लगता। अच्छा लगता है। आप इसको चुम्मी कैसे लेती हो? ऐसे लेती हो? इसकी ना हाजरा जूती भी उतार दो,
ये ना असल में इसको ना वो बंद किए रखा ना हमने, अभी ये खेलेगा थोड़ी देर, लेकिन हाजरा कहती है मैं इसको ना उठा के रखू ना, वो उसको याद आ जाती है हसन की। चलो खेलती रहेगी साथ साथ। और मुंशी नहीं है ना इधर? नहीं है। चलो मैं उसको फोन करता हूँ। तो अपनी सेटिंग सेटिंग सही कर गई ना? मैं मोटा बोसन पहले। अच्छा ये काम भी करना है आज, सिस्टर के घर भी जाना है वापस अभी दोबारा, आप ही सलमा वालों के घर भी जाना है हमने। हाँ जी उधर भी काम है। चलो ठीक हो गया, काम कर ले फिर चलेंगे। हाँ बस कर लो, फ्री हो के इंशाल्लाह। पहले अफ्तारी कर ले फिर बाद में। अफ्तारी करके हम फौरन निकल पड़ेंगे ना, सही है? ठीक है। हाँ जैन आ रहा है उधर, वो गाड़ी के साथ से ना आ रहा है। हाँ हसन कैसे हो, ठीक हो? ये ऐसी कौन सी चीज है जो गिलास में डाल रही है? अच्छा बिलंगू वाला पानी आज। हाँ। ये अब याद आया आपको, जब गए थे ना सुबह 2 बजे वो उस टाइम पुसा के रख देते। और ये बिल्कुल हल्के से हूँ, आपने कितने डाले हैं? हाँ बस ध्यान से यार, तेरे मोबाइल है वो नंबर तो मिला दे मुझे मुंशी का। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना किचन में हम हाजिर हो चुके हैं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। और मैंने जो है ना अभी पहले पहले फैसला किया कि मैं जल्दी से पहले पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि अफ्तारी का टाइम जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा रह चुका है। तो फिर जो है ना अफ्तारी सुकून से कर लें, उसके बाद जो है ना हम खाना बनाते रहेंगे। तो अभी मैं आलू कट कर रही हूँ इसके लिए, पकौड़ों के लिए समोसे जो है ना हम शहर से लेके आ चुके हैं। अभी जो है ना धनिया काटा जा रहा है, और जो है ना भाई आए थे हमारे पास पूछने के लिए कि आप आज लेट क्यों हो गए। तो उनको बताया कि हम ना शॉपिंग पर गए थे, जिसकी वजह से ज्यादा लेट हो गए। और अभी जो है ना मुंशी भैया को बुलाते हैं। हाँ तो फिर जो है ना वो जो है ना हमारे साथ जल्दी मिल के काम करवाएगा। और धनिया मैंने काट लिया है, इसको जल्दी से बनाते हैं। और इधर घी जो है ना मैंने कढ़ाई में ऐड जो है ना वो कर दिया है, ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर पकौड़े डालना शुरू करेंगे। अभी आलू जो है ना हमने सारे ऐड कर दिए और घी हमारा फुल गर्म हो चुका है। ये पहले बोल रहा था, जोर जोर से आवाजें दे रहा था, लेकिन अभी आवाजें देना इसने बंद कर दिया। समझो ये फुल गर्म हो चुका है, हसन जानी फुल मस्ती में है। मुंशी भैया हसन जानी की ना लड़ाई है। मैं आराम कर बेवला। हसन जानी जो है ना मुंशी भैया को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और प्लेटों को जो है ना चा चा के मार रहा है। बिस्मिल्लाह। आज है ना जल्दी जल्दी से सारे एकदम ही डाल देते हैं, बस कोई दो फेर वाला नहीं है, एक ही फेर बनाते हैं आज। माशाल्लाह अभी जो है हमने खरबूजे काटना शुरू हो गए हैं, तो काट के ना फिर पानी बनाएंगे, पानी बना के फिर टाइम हो जाएगा खोलने का, फिर रोज़ा खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला खेल भी है ना हो चुका है पकौड़ों का, और हमारा पोती पुत्र भी आ चुका है। पोती पुत्र पकौड़ा खांदा और आ जाए बे तू सुन तक है। ओ
हाल है? ठीक हो? चलो अभी इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं जब टाइम नज़दीक होता है तो फिर ऐसे अभी टाइम देखे तो टाइम हमारे पास रह गया है बकाया टाइम तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट जो है ना वो बाकी हैं और मैं जो है ना आज जूस भी लेके आया हूँ मैंगो वाला जूस और साथ में मच्छर मार दवाई ये कमरे के अंदर लगती है तो ये मच्छर मार दवाई है ना अभी इधर रख देता हूँ और ये जो है ना इसको रख देता हूँ मैं फ्रिज के अंदर। खुल जा खुल जा खुल जा सानिए खुल जा। तो आपने इतने पकौड़े क्यों बनाए या रोज बोलता हूँ इतने बनाया कर जब खा जाते हैं सारा। अच्छा हाँ तल्ले की बेटी एक का दे लिंबी बेटी जिसम कम बता पता है। अच्छा जिसम भी कहाँ पर है जी बस वो काम करते हैं ना। चलो इसे मैं फ्रिज में रख देता हूँ ताकि मजीद ये ठंडा हो जाए और जब हम पिए तो मजेदार हो। ये पियोगी अम्मी जान? हाँ जी माँ दे शौकीन होना। चलो आप अफ्तारी पे तो उधर जा रही हैं भाई के घर तो जब वापस आना तो हम आपके लिए रखेंगे ये। पता नहीं कैसे बना रहे जी अभी मैं इसके साथ बैठता हूँ इसको फिंगी मिंगी लगाता हूँ ये खाएगा पकौड़ा और फिर बैठा रहेगा। चलें जी खेल ला गया बोड़ी गोत। ये देखें जी बिलंगू वाला जो है ना पानी इतनी बिलंगू है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 19वां रोज़ा जो है ना अफ्तारी कर ली है। अम्मी अबू की अफ्तारी जो असलम भाई के घर थी वो उधर चले गए हैं और इधर भिंडियाँ जो है ना वो काटी हैं। सबा अभी हमने जाना भी है उधर आप ही सलमा के घर। हाँ अच्छा ये वाले आप बिलंगू वाला नहीं पीते? अच्छा चलो देखते हैं अम्मी अबू आ जाएं उसके बाद फैसला करेंगे। अम्मी अबू कहेंगे रोटी बना दो तो बना देते हैं अगर वो कहेंगे देर से फिर बाद में बना लेंगे। अभी जो है ना हम आपको अपनी शॉपिंग शेयर करते हैं जी जो आज सारा दिन शाम ने शॉपिंग की है। तो सबा जी आप खुश हो? बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक मेरी सबा को हमेशा खुश रखे सलामत रखे। तो चलें जी अभी स्टार्ट करते हैं। पहले पहले जो है ना मेरा ड्रेसेस जो ईद के लिए मैंने लिया है बहुत सिंपल सा लिया है। तो ये जी माशाल्लाह ईद का जोड़ा ये सबा ने लिया है अपने लिए और माशाल्लाह से मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब सिंपल सिंपल भी है और हैवी मतलब सिंपल भी है और डिज़ाइन वाला भी है मिक्स है माशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छा है। और उसके बाद जी और जो है ना बंद करो इसको यार। अच्छा जी और शेयर करो। ये हो गया मेरा कुर्ता उसके साथ जो है ना ये हो गया मेरा ट्रोजर। ट्रोजर होता है पजामा होता है ये पजामा भी होता है ट्रोजर भी होता है। नीचे वो डिजाइन बना हुआ है उसके साथ ये हो गया मेरा दुपट्टा। कपड़े में लेके जा ये हसन के हैं हाँ। और हसन ने जी लिया अपना सूट। हसन दिखाओ अपना सूट तेरे सूट वो उधर रखे हैं वो भी दिखाते हैं वो उधर रखे हुए हैं। हसन दिखाओ अपनी मम्मा को। ये लो जी दिखाओ इसका सूट। ये जी माशाल्लाह हसन का सूट जैसे हसन छोटा बिड्डू सा है ना वैसे है इसका कपड़े। बहुत प्यारा सूट है ये उसकी पजामी है हाँ। ये हो गए हम दोनों माँ बेटे के और ये जैन बेटे के छोटे भाई ये दिखाना ये जैन बेटा है ना जो उसके छोटे भाई के कपड़े हैं हाँ।
ये अभी दिखाते हैं, दो सूट लिए हैं जी। माशाल्लाह एक ये है और उसके बाद जो है ना एक है ये वाला। माशाल्लाह ओके ओके हो गया जी। चलें इसको जो है ना हम सेट कर देते हैं। अभी बारी आ गई है इन कपड़ों की। जी ये हमने लिया है सुफेद वाला अब्बू जान का सूट। बिल्कुल ये अब्बू जान के लिए। अब्बू जान मतलब के अहमद के अबू। हाँ जी। तो ये हो गया अब्बू जान का। और ये कॉटन वाला सुफेद वाला है। हाँ, ये हमने लिया है जैन बेटे के लिए। ठीक है जी, ये हमने लिया है जैन के लिए। उसके बाद ये है कॉटन का। ये कॉटन का है। ये हमने लिया है अपना ये दो लिए हैं, एक मुंशी जो उठाएगा वो उठा लेगा, एक मामू जो उठाएगा वो उठा लेगा। हाँ जी, जो कलर दोनों को अच्छे लगेंगे। वो ये है कि ये ना, एक मिनट बेटा, ये ना मतलब एक सूट मुंशी उठाएगा, एक मामू जान उठा लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि देखें मुंशी भाई, मामू जान, जैन, ये अब हमारे घर में होते हैं ना, हमारे घर में काम करते हैं, तो साफ ज़ाहिर है जब ईद आती है तो जो जिनके पास बंदा काम करता है वो मालिक जो होते हैं ना, वो उनको ईद के कपड़े वगैरह, ईद की खर्ची वगैरह, वो उनका फ़र्ज़ होता है देना, समझ लें कि फ़र्ज ही होता है देना। तो इसलिए जो है ना उनके लिए मैंने सूट जो है ना वो लिए हैं। तो ये तीनों सूट ना मतलब एक मुंशी का, एक मामू का, एक जैन का। उसके बाद ये जी सिस्टर हैं हमारी, जिन्होंने सबको ईदी भी भेजी थी, वो वाली सिस्टर ने जो है ना सबा के दादा अबू के लिए जो है ना वो दो सूट, ये लुंगी पहनते हैं ना, एक सूट जो है ना सबा के दादा का हमने ये लिया है स्पेशल, उसके ऊपर जो है ना ये लुंगी पहनेंगे नीचे, और एक सूट जो है ना हमने ये सफ़ेद वाला लिया है और उसके नीचे जो है ना ये लुंगी पहनेंगे। ये दो सूट जो है ना ये सिस्टर ने लेके दिए हैं उस सबा के दादा के लिए। ये मैंने सूट लिया है जी अपनी अम्मी जान के लिए, ये अम्मी जान को हमने गिफ्ट करना है। तो ये आ गए हमारे कपड़े, सबा के भी आप गए और जो काम करने वाले सब उनके भी आ गए और अम्मी जान के भी आ गए। और सबा ने जी ये वाला शूज़ ख़रीदा है बड़ी पसंद से, और देखें आप सब ने बताना है कि सबा का ये शूज़ आप सबको कैसा लगा। मोटे सोल वाला जिंदगी में फर्स्ट टाइम लिया है मैंने, पहली दफा। भाभी साहबा ने कहा दोनों सेम सेम वो सेम सेम, उनका कलर और है, तेरा कलर और है। उनका रेड कलर है, मेरा ब्लैक कलर है। ब्लैक वैसे इसमें पैर जितने भी काले हो ना खूबसूरत लगते हैं, बाकी तेरे तो हैं ही खूबसूरत। अच्छा मेरे शहजादों की बारी है। हाँ जी, वो जूती निकाल गया शहजादे, जूती थी फूट बना दे पाते। छोटा शहजादे ने हमारे उसी टाइम उठा के ना उसने पहन ली थी जूती। देखो बड़े दिए हैं। मतलब ये है कि ये है हमारे बेबो जानी की। ठीक हो गया जी, और हसन जानी के बिल्कुल सेम ऐसे शूज़ हैं, बिल्कुल ऐसे शूज़ हैं जैसे ये, जैसे ये बेबो की है। बेबो इस दराज में हाथ रखने आई थी। नहीं है, पता नहीं वो कौन सी दराज में रख गई, नीचे तो नहीं है। ये है हसन जानी की, उसने उस टाइम पहनी थी। हाँ, थोड़े मार रहा था कि मेरी जूती मुझे पहनाओ। अब देख रहे हैं कि बात तो मेरी को रही है। बेबो आराम से देते हैं बेटा। चलो ये हो गई हसन जानी की, दूसरी होगी बेबो जानी की, और बस सही हो गई। अगर हमारी शॉपिंग अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप सब इन भाइयों ने जरूर बताना है हमें। और जो है ना अभी जो है ना जिन जिन की चीजें हमने ली हैं उन सबको करते हैं गिफ्ट। ये जो सिस्टर की तरफ से उनके दादा जान के लिए हैं, तो ये अलहदा रख दो, ठीक है, ये वाले रख दो अलहदा। इसके साथ ना सिस्टर ने एक कुरान पाक भी जो है ना वो गिफ्ट करना है, कुरान पाक भी। वो हम सुबह जाएंगे कुरान पाक लेंगे, उसके बाद जो है ना फिर ये सूट भी और साथ में कुरान पाक भी वो आपके दादा अबू जान को इंशाल्लाह देंगे। ठीक हो गया, और उससे दुआ भी करवाएंगे। और बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी शॉपिंग आप सबके सामने, अभी जिन जिन के लिए मैंने लिए हैं तो उनको जो है ना मैं गिफ्ट करता हूँ। हाँ सारे निकाल लो, ये सारे अभी देने हैं। और ये हमारे जो है ना, आप अपने रख लो, हसन के भी रख लो, बेबो जानी के तो उधर रखे हुए हैं। वो बेबो जानी के कितने हैं अब?
तीन लिए हैं। तीन सूट जो है ना वो बेबो जाने के लिए हैं, क्योंकि हसन जाने का एक दो सूट पड़े भी थे न्यू वाले, तो इसलिए हमने हसन जाने का ना एक सूट लिया। छोटे बच्चों के ज्यादा कपड़े काम नहीं लगते, वो फिर देर भी नहीं होती, छोटे हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमने हसन जाने के जो है ना थोड़े लिए। सही है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना मैंने सारे कपड़े उठा लिए हैं, तो अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला गिफ्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो चलते हैं मुंशी भाई के पास, वो खड़ा हुआ है अपने काम में लगा हुआ, उसको सरप्राइज देते हैं। तो चले जी आते हैं। मुंशी क्या हाल है? अभी ऐसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सोचा कि यार ईद आ गई है, तो मुंशी भाई काफी 4-5 महीने हो गए मेरे पास है, तो हक बनता है कि यार ईद पे जो है ना कोई सरप्राइज दिया जाए, ठीक है मेरी तरफ से। तो ये आप पे ना मैंने देखा आपके चेहरा, आपका हाथ का आपका बहुत उस हिसाब से ये वाला कलर आपको मैचिंग कर रहा है, तो ये वाला सूट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट ईद का। गर्लफ्रेंड कौन? सोने लग गया तो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत प्लान करूंगा, ठीक है वाला पार्टनर अपने गैबियत जो है ना खजाना कर आपको गैबी गैबी खजाना गैबी खजाना वो वैसे तो कहते हैं गैबी मदद फरमाया, तो किसी को पता भी ना चला कैसी मदद है। इंशाल्लाह आपकी दुआएं इंशाल्लाह ताला रंग लाएंगी और अल्लाह पाक खैर करेगा। तो आपने ये सिलाई करवाना है और ईद पे जो है ना आपने पहनना है, ठीक हो गया? ठीक है, थैंक यू। माशाल्लाह मुंशी भाई को वैसे खुशी होती है बड़ी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना हम देते हैं दूसरा सरप्राइज, तो चले भी अभी सरप्राइज देते हैं। जैन को क्या हो गया? जैन क्या हो गया? सही है। तो अभी जैन को जो है ना वो उठा लिया है, तो अभी ईद है तो ईद पे मैंने कहा चले आपको सरप्राइज दूँ, तो माशाल्लाह आप इधर है ना, तो पहली ईद है जैन बेटे की इधर, मतलब हमारे घर में काम कर रहा है तो इसकी पहली ईद है, तो हमने कहा चले इसको भी जो है ना वो सरप्राइज देना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना मैंने लिया है ये सफेद वाला, ये हमारी तरफ से आपको ईद का सूट माशाल्लाह, ठीक हो गया। और अम्मी जान भी कोई सूट लेके आ गई है, अम्मी जान भी सूट लेके आ गई हैं। ये मेरे ख्याल में अम्मी जान का है और ये जो है ना ये अबू जान का है, और जैन का और अबू जान का सेम है। हाँ, असलम भाई का भी। हाँ सेम है माशाल्लाह, ये असलम भाई ने दिए हैं, एक अबू का और एक आपका। सही हो गया। तो माशाल्लाह से अभी जो है ना हम सरप्राइज देते हैं अम्मी और अबू जान को। अम्मी अबू जान कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। एक तो सरप्राइज लेके आए हैं जैसे मैंने बताया है आपको। हाँ, असलम ने दिया है। अभी जो है ना वो असलम की तरफ से, ये आपको अहमद बेटे की तरफ से, ये जो है ना अबू जान का सूट, क्योंकि अबू जान को सूट जो है ना वो सफेद पसंद है, सफेद पहनती है ना। तो ये अम्मी जान के डिजाइन देखे सूट का। और ये जो है ना मेरी अम्मी जान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह एक सूट रह गया है, ये माशाल्लाह से कॉटन का और VIP जैसे मैंने मुंशी भाई को गिफ्ट किया है, ये वाला भी वैसे, ये वाला जो है ना मामू जान को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि मामू जान के भी हमारे पास पहली ईद है, तो अभी मामू जान को भी ये वाला सूट गिफ्ट करते हैं। और उससे पहले ना एक सरप्राइज अम्मी अबू को और भी दे देते हैं, तो आप सब ने साथ रहना है। चले जी अम्मी जान अबू जान ये तो हो गए आपको अपने बेटू की तरफ से, और उसके बाद हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने ना आपके लिए ईदी भेजी है कि मेरे अबू और अम्मी जान को ना आपने ईदी देनी है और आपने मेरी बहन के लिए दुआ करनी है, ठीक है? ये लें 500, ये हो गया फिर 1500, इसके साथ हो गया आपका 2500, ये आपकी ईद की खर्ची, और ये 500 अबू जान, और साथ में 1000-1500, ये 1000-2500। तो दुआ मांगते हैं जी अबू जान, जो है दुआ करवाएंगे उस सिस्टम के लिए।
यार प्यारे बहन भाइयों इसको देखें ना, ये सूट इसको जो गिफ्ट किया रही, ये राख ही नहीं रहा, उठा के ना ऐसे करके फिर ऐसे करके मैं तो फिर रहा हूँ, ये मामू जान का सूट, मामू आ रहे हैं उनको देना है, ये ना जैन का भी उठा लिया, खुद का भी रख दो ना कहीं पे है क्यों मुझे रख के दे यार, रख दे ये सिलाई करवाने, अभी रख दो अंदर, कोई नहीं उठाएगा यार, मेरी गारंटी है। अच्छा। हाँ ऐसे जहाँ सोते हो ना वहां पे रख देना, ये पता क्या करेगा, ये सोएगा ना, ये जहाँ सोएगा नीचे इन सूटों को बिछाएगा, उनके ऊपर सो जाएगा कि कहीं कोई निकालेगा तो मुझे पता चलेगा। ये ना कहता है मैं तकिया बना के इनको रख दूँ, चले जैसा करो पर अभी कहीं रख दो, ये उठा के ऐसे फिर रहे हो, क्या हो गया यार खुशी है माशाल्लाह से पूरा रमजान रोजे भी रख रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और माशाल्लाह से मामू जान आ गए हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, तुम्हारे घर में आप काम करते हैं, तो माशाल्लाह पहली ईद है, तो मैंने मामू को जो है ना तो ईद का सूट गिफ्ट किया जाए, ये मेरी तरफ से आपको ईद का सूट गिफ्ट, आपको आपको मुबारक, आपको मिला है, आपको मौका मिला है, मौका मिला है मामू की खिदमत करने का, बिल्कुल जी। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी ईद अच्छी हो, तो इंशाल्लाह ताला दुआएं करनी है सब की जो है ना, वो ईद अच्छी जी, गिफ्टों वाले ईद वगैरह होती है। मेरा तो यही है दिल दिमाग के, मैं सामने करूँ ना करूँ दिल से इतनी ही दुआएं निकलती हैं, इतनी ही दुआएं निकलती हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। माशाल्लाह से मामू ने बहुत प्यारी दुआएं की हैं जी, तो चलें जी अभी फिर भी लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, ये आपके लिए जो है सरप्राइज आया है सबा अहमद वालों के पास, तो सबा अहमद ने भेजा है अभी अभी, तो मैं निकलवा के ले आया हूँ, ये लें, ये सिस्टर ने आपके लिए भेजा है, सिस्टर के लिए जो है बहुत सारी दुआएं करनी है, गिन लो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये 10,000 रुपए हैं, सात आठ नौ दस हैं जी, ठीक है, सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआ कर देनी है जी। अभी जो आपने वीडियो देखी सबा की सिस्टर ऐशा की, तो ऐशा को भी सिस्टर ने 10,000 रुपये ईदी भेजी है, वो भी हमें भेजी थी, तो हमने जो है ना उनको भेज दी है, तो उन्होंने फौरी निकलवा के हमने उनके अकाउंट में भेजे, तो अकाउंट से निकलवा के माशाल्लाह से ऐशा को 10,000 मिल गए हैं, तो अल्लाह पाक हमारी उस बहन को सलामत रखे जिसने उसकी बहन की जो है ना हेल्प की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो है ना ये हमारे पकौड़े वगैरह बचे हुए हैं, और अम्मी अबू पकौड़े खाने हैं, अच्छा वो जूस पीना है, जूस हाँ, चलो मुंशी वो करो, गिलास दो ले आओ उधर से शीशे वाला, ये घर बेटा आप ले आओ, आप इधर से जूस ले आओ, बल्कि तो चले अम्मी अबू को जो है ना जूस देते हैं, वो कहते हैं हमारा हाँ मादा है, क्योंकि गर्मी में आए हैं ना आज, गुड हो गया, चलो यहाँ पे रखो सब, आपने डालना है जूस जी, आपने ये पिस्तौल लिया है, बिल्कुल खालिस ठंडा ठार दिल बहार, वो भीड़ा हुआ है, हस्ता लड़ा हुआ है,
जोश देते हैं फिर पी जाता है फिर और फिर देते हैं फिर ओ वीटी खड़ी तल्ले वीट के फिर हंसता है। हाँ फिर ऐसे करके हंसता है। हसन ये क्या कर रहे हो यार, आपको आग लगेगी। ये मिर्ची के साथ खेल रहा है ना, फिर छुरी उठा के खेल रहा है, आपको कुछ वो जरा सा भी नहीं है। पहले तू छुरी क्यों नीचे रखी है यार, ले ले उससे छुरी लग जाएगी। पता नहीं कैसी माँ हो यार सबा आप उसकी, या आप वो छुरी उठा के बच्चा खेल रहा है और उसको कुछ नहीं कहती, कहती अब मैं क्या करूं, दो बार तो ली है उससे। तो छुरी ऊपर रखो, वो बेटा कैसे ले सकता है, छोटा सा ये, ऊपर उसका हाथ नहीं पहुंचता। हाँ ये पटीज गई है, ये ठंडी तो नहीं है, ये कूलर पंखे में रखनी है। इधर रख दो, ये जहर है, ये पानी नहीं है, ये जहर है, इधर रख दो, ये गंदी जहर है, ठीक है। हाँ इसको आपने खोलना नहीं है। तो भिंडी जो है ना हमने 2 किलो ली थी, ये सामने कटी हुई है, अभी भिंडी पकाना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ना वो मिर्ची धो रही है और फुल गुस्से में है, मुझ पे बहुत गुस्सा है छुरी के बारे में जो मैंने नहीं है गुस्सा, किसने कहा गुस्सा, ये देखो ना जो ये आपने बोक मारी है, ये गुस्सा नहीं है तो और प्यार है। तो लेट हो गई है तो आपको हमने कहा है कि सबा आपने लेट क्यों की है, किसी ने आपको बोला है कि हमें रोटी सालन जल्दी दो, किसी के मुंह से आपने सुना है। और यार मर्जी है आपकी, जैसे दिल करे आप बनाती रहो सुकून से, कोई जल्दी नहीं है आपको ना। अभी पता है क्या हो रहा होगा, आपको नींद आ रही होगी बहुत ज्यादा, जैसे बिस्तर में जाओगी उस टाइम फिर 3 बजे जनाब को नींद आने लगती है, पहले नींद आती नहीं है। और रोजा ना खोलो तो ऑपरेशन लगती है, खोल लो तो ऑपरेशन, फिर ना खोला करो ना रखा करो। रखा क्यों ना करें, जब आपको ऑपरेशन लग जाती है अल्लाह की बंदी, रखूंगी सारे इंशाल्लाह, नहीं रखोगी तो मैं रखवाऊंगा, क्योंकि रोजा जो है ना वो फर्ज है, रोजा नहीं छोड़ते। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना हम आपसे चाहते हैं जी इजाजत, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और मैं उस सिस्टर का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जिस सिस्टर ने माशाल्लाह से बच्चों की ईद अच्छी करवा दी है, सबा की ईद अच्छी करवा दी है। तो अल्लाह पाक मेरी बहन को सलामत रखे और अपनी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। तो कल जो है ना हम मज़ीद इंशाल्लाह, टाइम नहीं मिला, कल जो है ना वो हम गिफ्ट और तकसीम करने के लिए सिस्टर के घर भी जाएँगे, सबा की अम्मी अबू के घर भी जाएँगे, जहाँ जाए इंशाल्लाह, वो मेरे पास लिस्ट है, इंशाल्लाह मैं सबके पास जो है ना वो जाऊंगा। तो आप सब ने जो है ना वो ज़रूर वीडियो देखनी है, कल वाला इंतज़ार करना है। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।